एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बुधवार को जनसुनवाई के दौरान कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में दो थानाध्यक्षों को लाइन हाजिर सहित चार को निलंबित कर दिया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि बुधवार को जनता की जो समस्याएं हैं उनको लेकर जनसुनवाई की गई, जिसमें 150 फरियादी आए थे। उनके साथ में संबंधित अधिकारी को बुलाया गया था। दोनों व्यक्तियों से आमने सामने पूछताछ की गई, जिसमें कई मामलों में पुलिस की लापरवाही पाई गई, जिसको देखते हुए बांसगांव थाना प्रभारी, चिलवाताल थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया और चार उपनिरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया गया। इसके अलावा बड़हलगंज थाना प्रभारी, खजनी थाना प्रभारी सहित सात लोगों को चेतावनी दी गई। इसके साथ ही कुछ प्रकरण ऐसे भी थे कि जो कि पुलिस विभाग से संबंधित नहीं थे, जो कि भाइयों के बंटवारे व आपसी पारिवारिक झगड़े, जमीन के बंटवारे के झगड़े थे, जो कि सिविल न्यायालय में विचाराधीन थे। उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में फरियादी स्वयं गलत थे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज था व विपक्षी पार्टी पर भी मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस पर दबाव बना रहे थे। ऐसे मामलों में भी जांच करके नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर थाने पर जाता है तो सभी अधिकारी उनके समस्याओं को जिम्मेदारी पूर्वक सुनते हुए उसका निस्तारण करें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो अपने उच्च अधिकारियों को बताएं, आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, अंदर भटकना पड़ रहा है, इसमें मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर अपनी जिम्मेदारी का वहन ठीक से कर नहीं रहे हैं। और यदि मेरे पास यहाँ कार्यालय में भीड़ लगी या अनावश्यक रूप से यहाँ आए तो मैं किसी भी स्तर के कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही कर सकता हूँ। बड़ा खेद हुआ कल मुझे जो मैंने परिस्थितियाँ देखी है, अपनी अपनी जिम्मेदारी का वहन कर नहीं रहे हैं। डीपीओ है, दरोगा है, इंस्पेक्टर है, तीनों स्तर के अधिकारी सचेत हो जाए। यदि कहीं कोई समस्या आई यहाँ पर और मुझे लगा कि संबंधित अधिकारी ने ठीक से कार्यवाही नहीं की है, कल पुलिस लाइन में जनता के लोगों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर जन सुनवाई का कार्यक्रम किया गया, जिसमें कि करीब 150 लोग बुलाए गए थे। उन्हीं के साथ में जो उनके संबंधित बीट कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर हैं, जिनकी ये समस्या निस्तारण की जिम्मेदारी थी, उनको भी बुलाया गया था। और बुलाने के बाद दोनों का आमने सामने पूछताछ की गई। इसमें कई मामलों में पुलिस की लापरवाही पाई गई, जिसके चलते दो थाना प्रभारी लाइन हाजिर किए गए और चार सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल निलंबित किए गए हैं। इसके अलावा कई अन्य को चेतावनी दी गई और कई को समयबद्ध रूप से समस्या का निस्तारण करने का आदेश भी दिया गया। इसके साथ ही यह भी पाया गया कि कई फरियादी ऐसे थे जिनके प्रकरण पुलिस विभाग से निस्तारण होने संभव ही नहीं थे। आपसी भाइयों के बंटवारे थे या आपसी पारिवारिक झगड़े थे या आपसी जमीन के बंटवारे के मामले थे, जो कि सिविल न्यायालय में पेंडिंग चल रहे थे। साथ ही यह भी पाया गया कि कुछ मामलों में फरियादी स्वयं गलत थे, उनके ऊपर स्वयं के ऊपर मुकदमा दर्ज था और वो अब विपक्षी पार्टी पर भी पुलिस पर दबाव बनाकर मुकदमा दर्ज करवाना चाह रहे थे। ऐसे मामलों में भी जांच करके आगे नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि जो भी व्यक्ति थाने पर जाता है, प्रत्येक स्तर का अधिकारी, चाहे वो बीट पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, थाने पर जो भी कर्मचारी है वो उनकी समस्या को जिम्मेदारी पूर्वक सुनते हुए उसका निस्तारण करें और निस्तारण नहीं होने की स्थिति में उच्च अधिकारी समीक्षा करें कि क्यों निस्तारण नहीं हो पाया और फरियादी को साथ बिठाकर उनकी समस्या का कितना निस्तारण संभव है और कितना निस्तारण नहीं संभव है, ये पूरी जानकारी, सही जानकारी उपलब्ध करवाएं। ऐसे कार्यक्रम समय समय पर आगे भी होते रहेंगे और जहां कहीं लापरवाही पाई जाएगी वहां पर चाहे वो फरियादी हो तो उनके खिलाफ़ विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी और अगर वो पुलिसकर्मी हो तो उनके खिलाफ भी विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी। कि ऐसा अगर ज़रूरी पाया जाएगा तो कार्यशाला भी आयोजित की गई है, हमारे द्वारा समय समय पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। परंतु यह देखने में आया कल कि मामलों इतने गंभीर नहीं थे
गलती केवल यह हो रही थी कि पुलिसकर्मी ठीक से फरियादी को सुनते नहीं थे और पूरे थाने पर यदि कांस्टेबल ने सुन लिया तो उसे उच्च अधिकारी नहीं सुनते, अगर उच्च अधिकारियों ने सुन लिया तो कांस्टेबल्स उसे नहीं सुनते थे। ये गलत ट्रेंड है। हर प्रत्येक अधिकारी का कर्तव्य है कि जो भी फरियादी उनके पास आता है उसका नियमानुसार कार्यवाही की जाए और यदि उनको कोई समस्या आती है तो तत्काल अपने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाकर उनसे मार्गदर्शन लिया जाए जो कि समय समय पर उनको उपलब्ध करवाया जाता है। उसके अलावा प्रतिदिन अधिकारियों द्वारा जन सुनवाई होती है, हम भी कार्यालय में बैठते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। अक्सर यह देखने में आता है कि लोग छोटी छोटी समस्याओं के लिए जगह जगह भटकते हैं, जगह जगह अधिकारियों के पास जाते हैं, जबकि उनका निस्तारण थाने स्तर से भी संभव है। हमारा उद्देश्य है कि ऐसे प्रकरणों में जो थाने की पुलिस है वहाँ प्रत्येक अधिकारी, चाहे वो DPO हो, सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो, अपनी जिम्मेदारी को समझें और प्रत्येक फरियादी को सुनकर उसकी समस्या का निस्तारण करावें। यदि कोई बड़ी समस्या है तो हमारे स्तर से निस्तारित होगी, परंतु कल का कार्यक्रम में ये सामने आया कि ऐसा कोई बड़ा मामला था नहीं जिसका कि जिला स्तर पर कोई संबंध हो। ज़्यादातर मामले छोटे मोटे थे, नाली के विवाद, खड़ंजे के विवाद, पति पत्नी के विवाद, माँ बेटे के विवाद थे, कुछ मुकदमों में सही कार्यवाही नहीं हो रही थी जिससे लोग संतुष्ट नहीं थे। इस प्रकार के कार्यवाही थी जिसमें कि थाना स्तर से निस्तारण संभव है और इसमें उद्देश्य यही है, जनता को भी यही अपील है कि अनावश्यक रूप से ना घूमें। जहाँ निस्तारण संभव नहीं है, जिस मामले में बता दिया गया उसमें बार बार एप्लीकेशन ना दें, संबंधित विभाग को जाकर एप्लीकेशन दें ताकि संबंधित विभाग उसका निस्तारण करे। प्रत्येक कार्यवाही पुलिस से अपेक्षा करना गलत है। पुलिस के कुछ नियम कायदे कानून हैं जिनके तहत पुलिस कार्य करती है और जो कुछ प्रकरण पुलिस के दायरे में आते हैं उन्हीं का निस्तारण पुलिस विभाग द्वारा संभव है।